पोजीशन की बात मैं कर रहा हूँ। आपके क्लास में मैं जितना भी टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूँ, जितना भी हम लोग टॉपिक पढ़ा चुके हैं, वो सब हर एक केसेस में एक टॉपिक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मतलब आपकी क्लासेस में इससे पहले क्यूज बहुत दिन पहले, मतलब हो सकता है कि 10-15 दिन या एक महीना पहले हुआ होगा, बट आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्यूज। आपका टाइमिंग मैं 25 मिनट का दे रहा हूँ, 20 से 25 मिनट का टाइमिंग दे रहा हूँ। हालांकि आपका अभी टाइमिंग जो हो रहा है 30 के हिसाब से हो रहा है, लास्ट आप 10 तक जाएगा, 50 तक जाएगा, उसके बाद मैं ले लूंगा, मतलब छोड़ दूंगा। जस्ट मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपका क्यूज स्टार्ट कर रहा हूँ गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स और बॉयज से। पहला नंबर सुन लीजिए तर्क, जो भी हम कंडीशन है, कंडीशन सुन लीजिए, कंडीशन क्या अप्लाई है। अगर ईच क्वेश्चन क्या इज 5 नंबर, जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना जो गर्ल्स पूछेगा, जो बॉयज पूछेगा, एक क्वेश्चन पे उसे 5 नंबर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन पे उसे 5 नंबर कैरी करना होगा। सेकंड नंबर में ऑन नॉइजिंग -20 मार्क्स विल बी कट डाउन। अगर हल्ला करते हैं गलती से, होता है, बॉयज को बोल दिलो कि सर हमें याद नहीं करना, एक दूसरे ने कर लो, ये देर दे बताओ ना, बताओ ना, ऐसे करने के बाद हल्ला कर ले, एक बच्चा आंसर देगा जो उसको भी याद है, खड़ा हो जाए, दो तीन को याद है, कोई खड़ा हो जाए, तीनों खड़ा हो जाए, किसी को मैं चॉइस करूंगा, उसको खड़ा कर दूंगा, वो आंसर बोलेगा। लास्ट कंडीशन ऑन ओपनिंग कॉपीज 10 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। भाई गलती से हवा हुआ पानी, अगर पंखा भी चल जाता, पना ना पलट जाओ, तो ऐसे काम ना होके चाहिए, कॉपिया के पना खुल जाओ, ठीक बा, सब जगह का बंद होके चाहिए। मैं सबसे पहला कंडीशन स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज क्लोज योर बुक एंड कॉपी, एच एंड एवरी वन, जितने भी गर्ल्स और है और बॉयज है, कॉपी या कलम जो भी आप बंद कर दो भाई, आप खाली हमारे पास रखिए, ठीक है, मैं जान लू सुना दी रखे, ठीक बात मुझे मैंने लस्ट, जस्ट मैं बोल रहा हूँ, आप कॉपी कलम जो भी आपके पास है अपना अपना आप लोग क्लोज कर दीजिए, क्योंकि मैं आप क्यूज स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी का कॉपी कोई भी टॉपिक नहीं खुलना चाहिए, समझ रहे हैं, मैं स्टार्ट आपका टॉपिक कर रहा हूँ। मैं सबसे पहला पॉइंटिंग, हेलो ईच एंड एवरीवन, जिसका भी कॉपी है बंद कर दीजिए। गलती से बॉयज तो बता दिए, ये लड़की खोली हुई है, चाहे ये लड़का खोला हुआ है, तो फिर हमारे से बुरा क्यों लगे भाई, सुन लिया, अगर कॉपी गलती से खोल देते मैं टॉपिक आपके स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर ए, बॉयज आपको बॉयज को रखा गया, ग्रुप ए को बॉयज रखा गया, मतलब लड़का को ए नंबर रखा गया, जो हारेगा उसको टॉफी देंगे, लजवा के टॉफी देंगे, सुन लिया, जो हार जाएगा उसको मैं टॉफी दूंगा, हारने के बाद आज इज्जत के बाद टकरा, सुन लिया, ना पड़े गर्ल्स हो चाहे बॉयज, गर्ल्स में सब गर्ल्स लोग जाएंगे, अब बॉयज में सब बॉयज जाएगा, चाहे नाइन्थ का हो चाहे टेंथ का, समझ गए, मैं भी बात कर रहा हूँ सबसे पहले बॉयज लोग, क्या हम सोचे हैं ग्रुप ए में है तो लड़का लोग जीता जीत जाएगा, और ग्रुप ए में भी हम रखे हैं इसलिए कि जीत जाएगा सब भाई, जब कबाट मतलब ये लगा रहा, चलिए मैं ग्रुप ए की बात कर रहा हूँ। बॉयज साइड से नॉर्मल हम लोग सवाल पूछते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है, व्हाट यू मीन बाय लाइट, प्रकाश किसे कहते हैं, जल्दी बोलिए, इधर से गर्ल्स साइड में बताइएगा प्रकाश का परिवर्तन क्या है, बैठिए, गर्ल्स साइड में प्रकाश का परिवर्तन से क्या समझते हैं, इसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, राइट, सही है। बॉयज साइड से कोई एक जन खड़ा हो ही जाएगा, बॉयज साइड से कोई एक जन खड़ा हो जाए जिनको लगता है क्या बता देंगे, बढ़िए, बॉयज साइड से कोई एक जन खड़ा हुई जिनको लगता है क्या बता देंगे, एक, अरे भाई दो तीन जिन्हें बता, चलिए आप देखा सर साइन में साइडिंग की दबान कितना होता है, जी रूट 3/2, इधर से गर्ल्स साइड में कोई एक जन खड़ा हुई है, बढ़िए प्लीज, गर्ल्स में कोई एक जन खड़ा हुई है, एक, कोई एक जन खड़ा हुई है गर्ल्स साइड जिनको लगता है मुझे याद है, कोई एक जन खड़ा हुई है, वन, चलिए तो आप खड़े हुए हैं। सबसे पहले कोसिया का खोज किस सन में हुआ और कौन सा वैज्ञानिक किया हुआ है, 1665 में किया हुआ, राइट, सही है। फ्रॉम बॉयज साइड, बॉयज साइड से एक छोटा सा आपसे सवाल पूछा जा रहा है, किरण पुंज किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज क्या है एवं कितने प्रकार के होते हैं, जितना पसंद करते हैं बताइए, बोलो आप ही कहो, बोलो बोलिए, कौन कौन एम ने बताते चलिए, दिस इज वन टाइप ऑफ स्पेलिंग सब टेंसेस, एक छोटा सा आंसर के लिए 4-5 आदमी को हम नहीं दे सकते हैं, एक आदमी खड़े हुए हैं, बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने तो सही बताया, दिस क्वेश्चन इज पासिंग टू दिस ग्रुप, गर्ल साइड किरण पुंज क्या है एवं कितने प्रकार के होते हैं बता दीजिए, बस किरण पुंज होते हैं,
और बॉयज को वैसे 5 पॉइंट से पीछे हो गए। आप गलती जानते हैं क्या बता दिए, दृष्टि दोष में चल रही और आप मेरी पहला चैप्टर चल रहे हैं चौथा चैप्टर में, कहां से आई यार। चलिए गर्ल्स लोग का जीत हुआ तो सवाल भी आप ही लोग से रहेगा, दृष्टि दोष किसे कहते हैं एवं कितने प्रकार के होते हैं बता दीजिए। कोई जस्ट एक एक लड़की 3 बार लगातार बताएगी, उसके बाद वो नहीं बताएगी, 5 मिनट के लिए बंद है, लगातार 2 बार हो गई। तीसरा काम इधर से कोई बताएगा, और बिंदुता दोष के पहले एक निकट ऋषि दोष हम पढ़ाते हैं, निकट ऋषि दोष किसे कहते हैं और निकट ऋषि दोष को दूर करने के लिए कौन सा इसका व्यवहार किया जाता है, जल्दी एक निकट को दूर करने के लिए चश्मा में लगा जाएगा अवतल लेंस, कौन सा लेंस लगा जाएगा अवतल, ये होता है चश्मा जिसको चश्मा हम लोग बनते हैं ना, अरे मेरा चश्मा है अवतल नहीं है ना ही उत्तल है, वो जैनविन है, जैनविन का मतलब होता है कंप्यूटराइजिंग के लिए, वन फॉर कंप्यूटर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्शन के लिए लगाया जाता है। तो मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, अगला मैं टॉपिक स्टार्ट गर्ल्स साइंस से कर रहा हूँ, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है। आप नहीं बताएगा आपका टाइम होगा 2 मिनट के लिए वेट कीजिए। आप एक फिर से बताइए, फिर से आप लोग से एक छोटा सा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल, मायोपिया दोष क्या है, मायोपिया दोष किसे कहते हैं, मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का क्या व्यवहार करते हैं, क्यों करते हैं ये बताइए जल्दी। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए कितना सतह होता है, एक दो, प्रिज्म क्या है एवं प्रिज्म का कितना सतह होता है, दो एक ना जाने का मंडी गिनाता, 1 2 3 सही है कि नहीं, 5 सतह से घिरे हुए क्षेत्र को प्रिज्म कहा जाता है, बस काम बढ़िया। चलिए इधर से कोई बताएगा एक छोटा सा सवाल, किस रंग का तरंग दैर्ध, किस रंग का तरंग दैर्ध सबसे कम होता है और कितना होता है, जल्दी 4000 होता है। बात सही, किस रंग का तरंग दैर्ध सबसे अधिक होता है और कितना होता है, लाल रंग का, कितना होता है 7900। इधर से आवृत्ति बताइए, लाल रंग का आवृत्ति कितना होता है, लाल रंग का आवृत्ति कितना होता है, 1 2 1 2 3 आप टाइमिंग के अंदर 3 गिनने के बाद मत चलो, टाइमिंग से गिनिए, आप 2 मिनट वेट कीजिए उसके बाद, क्योंकि बार बार इतने क्लास के बीच में आप ही सुना रहे हो, इतने क्लास के बीच में 2 बच्चा सुना रहा है, एक दूसरा काम वेट करा होता है, फिर भी ऐसा बात थोड़े बात, एक बच्चा बार बार नहीं बताएगा, लास्ट 2 से 3 बार बताइए आप, उसके बाद वेट कर दीजिए, बीच में किसी को डाल दीजिए तब ठीक है, अगर तो बीच में आप ही बोलिएगा लगातार तो फिर आपको वेट करना होगा 3 मिनट दूर। चलिए मैं बात कर रहा हूँ, बॉयज लोग का जीत हुआ तो सवाल भी आप ही से रहेगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है एवं इसका नियम बताइए, प्रकाश का परावर्तन क्या है एवं इसका नियम बताइए, लास्ट योर टाइम ओवर।
प्रकाश का प्रवर्तन क्या है एवं इसका नियम बताइए। आपको जब आंसर बताना तो शेयर करके बताइए, एक आदमी को बता एक आदमी उधर बता, तब कोई नहीं चेंजिंग होगा, क्योंकि टाइम एक वो बता दे तब तक वो बता दे, टाइमिंग का खत्म नहीं बताएगा, तो चेंज करके बताइए, लगातार बताइए, बोलो हम बता दें। सही है। प्रकाश का परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, दोनों का नाम बताइए, तीनों का नाम बताइए, चारों का नाम बताइए, और पांच जो भी पांचों का नाम बताओ जल्दी। वन टू दो होता है नहीं, पहले ही बताइए प्रकाश का परिवर्तन है का, उसके बाद क्या कितने प्रकार अनियमित बनते हैं, नियमित बनते हैं, नियमित अनियमित बस आई। आप लोग से एक छोटा सा मैं टॉपिक पूछ रहा हूँ, बहुत ही आसान सवाल, अरे वैसे भी तुम लोग बहुत ही आसान पढ़ लो यार, बहुत अच्छा लगा, क्यूट क्यूट लगा लो तुम लोग। पाई किस प्रकार की संख्या है, एक दो अपरिमेय संख्या है, चलिए पाई का मान परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा, पाई का मान 22/7 होता है, ये बता दीजिए परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या, वन परिमेय होगा अपरिमेय होगा, आप लोग से मैं छोटा सा टॉपिक पूछ रहा हूँ, आप लोग से ज्यादा हार्डेबल सवाल नहीं पूछा, बहुत ही आसान सवाल, ध्यान दे लो कौन सा सवाल, इंद्रधनुष किसे कहते हैं, आप चेंजिंग करके बोलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, बोलिए प्रकाश बैठिए, आप लोग इसे जस्ट गर्ल्स साइड से बताइएगा, पुणे पूरे गर्ल्स की बात करते हैं, प्रकाश का परिकीर्णन क्या है, व्हाट मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकीर्णन से क्या समझते हैं, आप फिर से सोच लीजिएगा, हेल्पलाइन फर्स्ट आपको दे रहा है, आपको पहला चांस दिया जा रहा है, आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए, मैं पास कर लूंगा, सुन लो प्रकाश के परिकीर्णन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जल्दी इधर से बताइए, प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, गन साइड पूरा बढ़िया, गन साइड प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, एक दो प्रकाश के विवर्तन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बैठिए सही प्रकाश के विवर्तन को इंग्लिश में एक विवर्तन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, जब प्रकाश के रास्ते में किसी भी अपारदर्शी वस्तु को डालिएगा तो प्रकाश थोड़ा आंशिक मुड़ जाता है, और मुड़ने की इस घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का विवर्तन। ये टॉपिक था, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, जस्ट फॉर स्टेप, मैं अभी गर्ल्स लोग का जीत हुआ, गर्ल्स को हम तो ये गर्ल्स कराओ जाइए, पूछिए सवाल जितना फास्ट हो सकता है, क्योंकि टाइमिंग आपके पास वाली फॉर 5 मिनट का, खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया था, बैठिए बोलिए आप आंसर बताइए, वन बोलिए जल्दी पूछिए, तीन जन को चांस दिए हुए हैं, पूछिए जल्दी सवाल, बैठिए कोई सवाल करो,
खराब हो गया, खराब खराब ये खराब हो गया। सवाल पूछिए जल्दी, जो पूछना पूछिए जल्दी। वन टू स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है बताइए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? इतना गरीब सवाल। एक दो 25 सेंटीमीटर। चलिए इधर से बैठिए। नेक्स्ट वन क्या भैया? 25 सेंटीमीटर। क्या चीज़ का काम है? काम बांबा का यू का परमाणु संख्या कितना होता है? यू का परमाणु संख्या बोले तो बताइए। यू मतलब क्या? क्या चीज़ का पूछ रहा है? बताइए यू मतलब क्या? यू मतलब क्या जिसका आप पूछ रहे हैं? किस लेवल से पूछ रहे हैं आप ये तो बताइए। घर यू मतलब खाली बोल दीजिएगा ए का परमाणु संख्या या बी का परमाणु संख्या कैसे हो जाए? वो क्या चीज है? क्या उसका पता है? एग्जैक्ट फॉर्मेशन बताइए ना, नेम बताइए उसका, परमाणु नाम बताइए ना उसका, सब नाम बताएंगे नहीं याद है। वन और किसको सवाल पूछना है? चलिए कहा बोलिए। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के आविष्कार कब हुई है? इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का आविष्कार कब हुआ था? अरे भाई 2 मिनट वेट करो भाई। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का आविष्कार 1 2 16 64 विभाजन सूत्र बता दो बहुत सही, इतना आसान जी। M1 + M2 करेक्ट है। आप तरी पूछ रहे यार भारी सवाल पूछ दो ना करे भाई। बैठा लो बैठा लो बोलो जी करो। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। उसका पीएच मान 1.4 के रेंज में होता है, समथिंग के रेंज में। ठीक है बढ़िया। केमिस्ट्री का बुक है मिला है? केमिस्ट्री का बुक, केमिस्ट्री का 1 मिनट जस्ट दे दिया। पूछिए भारी सवाल जल्दी। त्वचा पर आंखों का पीला भाग जो हो जाता है वो किस प्रकार का रोग है? यही ना बढ़िया। चलिए बोलिए सवाल आंसर। त्वचा पीला चेहरा वाला हो गई या कभी किसी कारणवश से जो पीला पड़ जाता, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। छोटी सही है छोटा बोलिए। अच्छा
Your time gets right now over. आपका सवाल लास्ट एक टाइमिंग हम दे रहे हैं, पांच लोगे पर चांस देते नहीं, चांस देने का आठ लोगे यार दम है तो जीत लो। एक मिनट का टाइमिंग, एक मिनट का टाइम, जो सवाल पूछना पूछ लो, सबको फुल परमिशन, जो पूछना है उन लोगों का चांस है, लेकिन तुम लोगों का चांस भी है, जो पूछना है। चलिए पूछिए, आपको पूछिए तो सवाल जल्दी, जो पूछना है करो ये, हेलो करो ये, पूछिए सवाल, वन टू थ्री बोलिए, बैठो जल्दी। एक एवोकाडो संख्या का दूसरा नाम बताइए, एवोकाडो संख्या का दूसरा नाम बताइए, एवोकाडो संख्या केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री में संख्या पढ़ना, एवोकाडो संख्या का दूसरा नाम बताइए, नहीं याद है बोलिए आंसर सर। पूछिए पूछिए जल्दी, नहीं चलिए तो मैं जस्ट नाउ ओवर करता हूँ आपका टाइमिंग, बिकॉज इसमें भी कुछ बहुत लोग लड़के लोग को वर्क है और मुझे कुछ काम है क्लासेस। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आइज, ह्यूमन आइज का टोटल प्रतिरोध क्या होता है। अरे भाई शरीर में कितना शक्ति होता है, एनर्जी, व्हाट इज द टोटल एनर्जी, व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, आदमी का टोटल प्रतिरोध कितना होता है। मेरे ख्याल से उस सेट में भी हम दिए होंगे या दिखवाए भी होंगे, मेरे ख्याल से मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, चैप्टर नंबर चार का कंक्लूजन है, नहीं याद है बोलिए। 30,000 ओमी तक करेक्ट आंसर, 30,000 ओमी सही है, प्लस जीरो। चलिए मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, ये टाइमिंग आपका ओवर जस्ट नाउ, मेन कंक्लूजन अगले शनिवार को टाइमिंग आपका रहेगा, अगले शनिवार को मैं एक दो तीन यानी 15 मार्क्स विनर और दिस ग्रुप इज लूजर, ए बिग क्लैप विद देम गर्ल्स आई आपको बहुत बधाई। मैं जस्ट बात कर रहा हूँ आपके क्लास में, आज भर के लिए लास्ट क्लासेस था, ये टॉपिक था आज, मैं क्लास करा दिया, मैं आज से 6-7 दिन तक बस अटेंड हूँ, 6-7 दिन बाद से मैं फिर चला जाऊंगा, मैं यहाँ पे कोटा में चला जाऊंगा, मेरा एग्जाम है, मैं 5-6 दिन के लिए क्लास बंद रखूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। तो पहले रिक्वेस्ट है बोला कि इधर मैं पढ़ा के टोटल बैच आपका मेंटेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि उधर अपसेंट करेंगे क्लास का टोटल क्रिएट सब होकर चलेगा। मैं आज बात कर रहा हूँ, आप गलती लिखे हुए हैं तो आप सही है, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ गर्ल्स विल विनर फ्रॉम 5 मार्क्स, आप लोग बहुत बढ़िया है कि इतने पॉइंट्स आगे हुए हैं, हालांकि आज पहली बार 5 पॉइंट्स आ गए हैं, लेकिन घर तक प्रयास कीजिए, इन लोग से बहुत पॉइंट आए होगा, आसान के तनियों से अगर लाज गाव धोखे तो अगला बड़ी जो जीत के दिखा दो, फुल परमिशन लग रहा है। टोटल गर्ल्स इनको देख लीजिए, 9th क्लास के स्टूडेंट है प्रवीण कुमार, जिनका घर है मेरे ख्याल से सिकटिया, ये बहुत अच्छे लग गया, और वैसे मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ, समझ रहे ना, हमसे ये बड़े भाई है, भाई कम से कम थोड़ा सा भी हमरों से लाज लाओ तो कहते हैं, समझ लिया भाई, हम छोट भाई दार बाकी ठीक बात, तो भैया बोले हैं भैया थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, ठीक है, जस्ट रिसेट गर्ल साइड लास्ट मैच निकल गया आप लोग, आज के लिए बस सेम टाइम मैं अभी पढ़ा दूं, मुझे कोई काम नहीं है, हम ऐसे भी हैं सब घर में क्या होगा, तब जारी करते यार बड़ो सब चलिए मैं लाने दे देता हूँ, ठीक है आपको ये कर।
घड़े को